हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहे है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में।
छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन। निकल जाओ यहाँ से, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब तक डैडी मेरी बात मान नहीं लेते तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगी, समझे? सुबह सुबह अपना मनहूस चेहरा लेकर मेरे पास क्यों आई हो? चले जाओ यहाँ से मनहूस, चले जाओ, चलो मनहूस, चल। करोड़ों की प्रॉपर्टी आपके मालिक, कितने कारखाने हैं, कितने पेट्रोल पंप हैं। आज हमारी इतनी तारीफ क्यों हो रही है मुनीम जी? सत्य बोल रहा हूँ मालिक, आपका ओहदा समाज में बहुत ऊंचा है। आपका ही हूँ मालिक, पाला हुआ कुत्ता बोलिए, आपके सुख के लिए दिन रात सोचता रहता हूँ। मालिक, राधा मैडम का बर्ताव थोड़ा संयम छूट रहा है। मुनीम जी, हाँ? राधा के बारे में बात करते हुए तुम्हें हजार बार सोचना चाहिए। राधा एक लौती बेटी है हमारी। माँ की ममता से आपने पाला है उसे, बुरा मत मानिए, लेकिन ज्यादा छूट देने की वजह से भोली लड़कियां फिसल जाती है मालिक। ऐसा कुछ नहीं होगा मालिक, सहेलियों के साथ राधा मैडम सुना है पिकनिक जा रही है। पता है मुझे, मुझे पता है मुझे क्या करना है। चलिए अपने काम पे लग जाइए। अरे जाओ रे बाबा जाओ, दिमाग मत खाओ मेरा। गुस्सा क्यों हो रही हो मनहूस? मुंह फोड़ दूंगी तुम्हारा, समझ में आया? क्यों सता रहे हो मेरे लाजो को? अच्छा वो आ गए, अब मुझे बताइए इसका चेहरा चांद की तरह दिखता है या फिर मनहूस? मुझे क्यों पूछ रहे हो? अंधा है क्या? पता नहीं तुम्हें मैं कौन हूँ। मनहूस मुनीम जी, मुनीम जी, अब मैडम मुझ पर गुस्सा होगी, मुझे मनहूस बोली। रो मत, मेरे पास आ जाओ, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। देखो राधा बेटी, पैसा जैसे इंसानों को सुख और शांति देता है ना, वैसे ही दुख भी देता है। अरे बेटा, लोगों की नजर तो बुरी होती ही है। ये अंडरवर्ल्ड वाले हफ्ता वसूली, पैसों के लिए हमेशा फोन करते रहते हैं। देखो राधा बेटी, मेरे लिए तुम सुरक्षित हो, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ ना डैड, मैं यहाँ सोने के पिंजरे में कैद हूँ। अरे राधा बेटी, तुम मेरी एक बार बात तो सुन लो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगी, जो मन में आएगा वो करूंगी, मगर मैं इस चार दीवारी में कैद नहीं रह सकती। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं मर जाती। देखो बेटा, तुम आइंदा मरने की बात मेरे सामने कभी नहीं करोगी, फिर कभी नहीं कहोगी। बेटा बेटा, इतनी शान और शौकत, इतनी संपत्ति मैंने किसके लिए कमाई है, किसके लिए कमाई है मैंने? तुम्हारे लिए ही ना। तुम्हें जाना है ना? ठीक है, जाओ तुम। देखो बेटा, लेकिन संभल कर जाना तुम। थैंक्स डैड, आई लव यू डैड। ओहो, नमस्कार नमस्कार। लीजिए। अरे बाबा, ये क्या आपके है? आपके बागीचे के हैं। किसी का ध्यान नहीं था। क्या चाहिए क्या तुम्हें? पैसा चाहिए, दो वक्त का खाना चाहिए। अरे बाबा, ये बगीचा है,
ये सब यहाँ थोड़ी मिलेगा तुम्हें। सब नौकरी तो मिलेगी ना, नौकरी मिलेगी तो पैसा मिलेगा और पैसा मिलेगा तो घर मिलेगा। होशियार हो, नाम क्या है तुम्हारा और आए कहाँ से? रामपुर का रहने वाला हो सब, नाम है क्रिश। अच्छा, इससे पहले कभी चौकीदारी का काम किया है? अब कर लूंगा ना सब। ईमानदारी और मेहनत से करूंगा साहब, प्लीज। उसके लिए बड़े साहब से बात करनी पड़ेगी। अरे पहले काम तो समझ लो। आप ही समझा दीजिए ना, पर पगार कितना मिलेगा? वो सब बड़े साहब बताएंगे, लेकिन सुनो, काम तुम्हें मेरे साथ ही करना होगा और वो भी शिद्दत और ईमानदारी से, समझे? जी बिल्कुल, आप भरोसा रखिए, काम ईमानदारी से ही करूंगा। वैसे काम क्या है? वैसे काम थोड़ा मुश्किल है। इस बगीचे में अलग अलग तरह के लोग आते हैं, कुछ अपने परिवार के साथ आते हैं और कुछ कबूतर भी यहाँ आते हैं। अरे वाह रे वाह, ये तो खुशी की बात है, कबूतर भी आते हैं। अरे इसमें इतनी खुश होने की क्या बात है, यही तो प्रॉब्लम है ना। कबूतर का मतलब है लड़के लड़कियाँ, उनका आपस में वो चलता है ना। वो सब छोड़ो, वो जाने दो, और ऐसे लोगों को ना डंडे मार मार के यहाँ से भगाना है, यही हमारा काम है, समझे? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं निकालेंगे। पर निकालना क्यों है, बेचारे प्यार ही तो करते हैं। अरे बाबा ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ ये सब प्यार मोहब्बत नहीं चलता है, समझ रहे हो ना तुम? अगर नहीं तो निकलो यहाँ से अब। नहीं नहीं, आप जो कहेंगे वही करूँगा, बस एक बात, मुझे नौकरी चाहिए। मेरे बहुत सपने, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है मुझे। बेटा सपनों में इतना भी मत खो जाओ। अब रहा सवाल तुम्हारी नौकरी का, चलो चलिए बड़े साहब से मिलाता हूँ। हाँ हाँ चलिए। मुनीम जी। हाँ, ये लीजिए 15,000, और ज्यादा पैसे खर्च मत कीजिए। ये क्या पागलपन है, कम खर्चा करो, ये बोलने वाले आप होते कौन हो? मुनीम हूँ मैं, पैसों की देखभाल मैं ही करता हूँ मैडम। तो आप पैसों का हिसाब किताब ही देखिए, हमें कितना खर्चा करना है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी पैसे डैडी के हैं, हमारा है, आप कौन? लेकिन मैडम पैसा फालतू का खर्च करना मतलब? जितना मांगा है उतना दो। 15,000 रुपए ज्यादा नहीं है मैडम? कम है। और दो। लेकिन मालिक। और दो उसे। बेटा अगर कम पड़ जाए तो और मांग लेना। ये लीजिए, ठीक है। थैंक्स डैडी। और जरा मुनीम जी को समझा कर रखिए कि हमसे किस तरह से बात करनी चाहिए। बाय डैडी। बाय। लेकिन मालिक मैं क्या बोल रहा था, इतना पैसा। मुनीम जी वो एक लौती बेटी है मेरी। अरे जवान खून है, थोड़ी मौज मस्ती तो होनी चाहिए। और उसी के लिए कमा रहा हूँ तो मौज मस्ती क्यों ना करे राधा। और मुनीम जी आप मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, राधा से बात करते वक्त जरा तमीज से पेश आया करिए। आप एक मुनीम हो, तुम सिर्फ नौकर हो, मालिक बनने की कोशिश मत करना। दूध लीजिए, दूध, मसाला दूध, केसर बादाम पिस्ता मिलाया हुआ दूध, लो लो लो। अरे हमको तो सांप को दूध पिलाने की आदत, और तुमको तो फोकट में खाने की आदत, मतलब मालिक ने धो डाला ना, जैसे धोबी घाट पे धोबी कपड़े धोता है। ए जा रे कौवे। कौवा उल्लू से अच्छा तो कौवा होता है। काव काव काव। बहुत दिनों बाद मिले हैं ना हम। हाँ घर में रहकर खाना खाती हूँ बहुत। हाँ ना। क्या गाती हो आप, ये क्या नाचती हो आप? ये देखो आप जरा दूर से ही बात कीजिए। दूर से बात करने के लिए क्यों बोल रही हो? हाथ छोड़िए मेरा, हाथ छोड़िए। ए हट रे। ओ भाई साहब ना, दूर से बात करो।
आपको समझ नहीं आ रहा है? लड़की बोल रही है दूर से बोलो, तो दूर से बोलो ना। ए वॉचमैन चल अपना काम कर। अबे बंदर, तेरे जैसे कबूतर को उड़ाना तो मेरा काम है। अबे तू होगा कबूतर, चल 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 निकल, चल चल मुझे रोकेगा, हाँ मुझे रोकेगा, चल जानता है मैं कौन हूँ, टक्के का वॉचमैन। अरे छोड़ो उसे, अरे क्यों मार रहे हो उसे, अरे छोड़ो क्रिस, क्रिस, अरे क्रिस, क्रिस, अरे क्या हुआ तुम्हें रामलाल, उस काले शर्ट वाले को पकड़ो रामलाल, जाने मत दो उसे। क्रिस बेटा, अरे कितनी बुरी तरह से मारा है तुम्हें। ऐसे लोगों को तो नौकरी से निकाल देना चाहिए। ये तुम क्या बोल रही हो बेटा? सच कह रही हूँ मैं। अरे बेटा तुम्हारी जान बचाने के लिए इसने अपनी जान जोखिम में डाल दिया, देख नहीं रही हो कितनी चोटें लगी है इसे। नाटक कर रहा है नाटक, मार लगी है इसे, मार लगी है इसे, ठीक है बहुत मार लगी है ना इसे, ये लो पैसे पकड़ो और इलाज करा लो खुद का, ड्रामेबाज कहीं का। अरे रुको तो बेटा, अमीर घराने की बेटी है ना, इसीलिए पैसों का घमंड है इसे, लेकिन तुम फिकर मत करना, तुमने जो कुछ भी किया है मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा किया बेटा। बाबा वो कबू कबू कबूतर भगा, हाँ भगा दिया। हाँ बेटा, क्रिस क्रिस क्रिस, कितना बुरा भला कहा मैंने उसे, सच में कितनी मार लगी थी उसे, सच में उसने मेरे लिए ये किया सा, कितनी बुरी हूं ना मैं। हेलो स्नेहा, मैं पहले से ही बहुत डिस्टर्ब हूँ, तुम बोलो। अरे बाप रे, अरे कितनी चोट लगी है तुम्हें, इधर दिखाओ क्रिस। कितनी बुरी तरह से मारा है तुम्हें, पैसे वालों को गरीबों की कोई कीमत नहीं है बेटा, वो सभी चीजों को पैसों में तोलते हैं। बेटा तुमने उसकी मदद करने की कोशिश की थी और वो लड़की तुम्हारे मुंह पे पैसे फेंक के चली गई। लेकिन बेटा तुमने जो कुछ भी किया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। देखो देखो कितनी मार लगी है तुम्हें, हाँ, और तुम्हें उनके बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी। बाबा उस लड़की ने मेरे साथ क्या किया ये जरूरी नहीं है, मैंने सोचा एक संस्कारी और खानदानी लड़की को एक गुंडा छेड़ रहा है, मुझे उसे सबक सिखाना ही था। और स्त्री अमीर हो या गरीब उसका आदर तो होना ही चाहिए ना, और ये सब देखकर मेरा खून खौलता है। बिल्कुल सही कहा बेटा, ऐसे ही उच्च विचार रखना और हमेशा ऐसे ही रहना, शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। मीरा बेटा, क्रिस के लिए खाना लगा दो। जी नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। बेटा बेटा थोड़ा तो खा लो। पापा इनसे कहिए कि डॉक्टर ने बहुत सारी दवाई लिख के दी है, चुपचाप खाना खा लीजिए। बेटा खाना तो खाना ही पड़ेगा, देखो मीरा की बात मैं नहीं टाल सकता, इसीलिए तुम्हें थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा, थोड़ा तो खा लो। जाओ बेटा मीरा, खाना लेके आओ, चलो थोड़ा तो खा लो बेटा, अच्छा लगेगा। देखिए मैं आपको फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ,
आपको इस कंपनी में ठीक से काम करना है तो करिए, वरना चलते बनिए। डेढ़ महीने में सारे पैसे वसूल हो जाने चाहिए, समझे आप? काम चोर कही के मालिक, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? छोटी मालकिन, एक थप्पड़ मारने के 100 रुपए लाओ। मालकिन, मुनीम जी कुछ साजिश रच रहे हैं और आपकी शादी करने का प्लान कर रहे हैं। शादी मेरी? इम्पॉसिबल। मालकिन, पॉसिबल? अरे, इतने बड़े बिजनेस को संभालने के लिए जवान और होशियार लड़का चाहिए, और ऐसे ही लड़के को घर जमाई बनाने की आइडिया अपने डैडी साहब को पसंद आ गई। शट अप। मालकिन, 100 रुपए। लगता है मुनीम जी के दिन अब भर गए हैं। मैं मेरे पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी। मैं किसी बंदर के गले में माला कभी नहीं डालूंगी। मुनीम जी को सबक मैं सिखा कर रहूंगी। मेरी जिंदगी का फैसला मैं खुद लूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी, मगर किसी भी ऐरे गैरे लड़के से मैं शादी नहीं करूंगी। करेक्ट। शट अप। सही बोल रहे। करेक्ट। क्या? 200 रुपए। लाख की कैश है मालिक, और आप यहाँ वहाँ भागम दौड़ करेंगे ठीक नहीं है। और राधा मैडम की शादी भी जल्द से जल्द होनी चाहिए, मतलब आपके कारोबार में हाथ बढ़ जाएगा उनका। सही कहा ना? बिल्कुल मेरे मन की बात बोल रहे हो मुनीम जी। लेकिन राधा के लिए एक अच्छा लड़का भी तो मिलना चाहिए। उसके लिए तो मैं लड़का ढूंढ ही रहा हूँ। 2-4 लोगों से बात भी हुई है मेरी, देखते हैं। एक्सक्यूज मी डैड। डैड, आप अगर मेरी शादी के बारे में सोच रहे हो तो आपको मेरी पसंद के बारे में भी सोचना होगा। वो क्या है ना राधा मैडम, प्लीज आप अगर हमारे बीच में बात ना करें तो बहुत अच्छा होगा। ये हमारा पर्सनल मैटर है। बेटा, मैं ऐसे डिसीजन कैसे ले सकता हूँ जिससे तुम नाराज हो जाओ? पर डैड, आपके आसपास ऐसे लोग घूमते रहते हैं ना। बेटा, मैं एक ऐसा दामाद ढूंढूंगा जो हमारा बिजनेस मेहनत और ईमानदारी से संभालेगा। डैडी, आपको मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं है क्या? मैं आपका ये बिजनेस संभाल सकती हूँ। डैड, मुझे ऐसा पति चाहिए जो सिर्फ मुझसे प्यार करे, मेरे पैसों से नहीं। और फिर घर जमाई के नाम पर एक ऐसे लड़के से मेरी शादी करा देना जो सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करता हो। नहीं डैड, ऐसा लड़का मुझे सुख नहीं दे पाएगा। प्लीज डैड, जो मुझे प्यार करे ऐसा पति चाहिए। मालिक, राधा मैडम का डिसीजन अगर गलत हुआ तो प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस का चकनाचूर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं समझाऊंगा उसे। एक काम करो मुनीम जी, वो ड्राइवर को घर पे भेज दो। कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, मैं खुद कार ड्राइव कर लूंगा। देखिए, परसों एक टेंडर ओपन होने वाला है। हाँ। उससे पहले ये कैश उस ऑफिसर को पहुंचानी है। हाँ। मैं भी चलूं मालिक? नहीं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चले जाऊंगा। तुम्हें और बहुत सारे काम करने हैं। तुम अपना काम ठीक से करो, मुझे अपना काम करने दो। सिविल लाइन, 8वां रास्ता। यस सर, स्पोर्ट्स क्लब के पीछे मिलते हैं हम। ओके सर, आ
आइए सर, मैं इंतजार करूंगा आपका। जी नहीं सर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा सर। ओके, इंतजार करूंगा मैं आपका। आइए सर। हेलो हेलो पक्या, बड़ी मछली को पकड़ना है। ए सुन, काम खतरनाक है मगर तुम्हें ही करना है, किसी भी कीमत पर। वो यशराज बचना नहीं चाहिए। चल पता लिख, पता लिख। सिविल लाइन 8वां रास्ता, स्पोर्ट्स क्लब के पीछे। लिख लिख। बेटा, इतना क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं बेटा, मन की बात बोल देनी चाहिए, मन हल्का हो जाता है, मन में कोई घुटन नहीं रहती। बोलो बेटा, क्या सोच रही हो तुम? ऐसे कोई खास बात नहीं है पापा, बस ऐसे ही। बेटा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुमसे एक बात पूछूं? क्रिस का इंतजार कर रही हो ना? लेकिन बेटा, क्रिस हमारे यहाँ मेहमान है, उसे जैसे ही अपनी मंजिल मिलेगी वो यहाँ से चला जाएगा। ये बात तुम अपने दिल को अच्छी तरह से समझा दो, नहीं तो बहुत तकलीफ होगी बेटा, तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। क्रिस आएगा, जरूर आएगा, लेकिन एक ना एक दिन वो यहां से फिर चला जाएगा। ये बात तुम अपने दिल को अच्छी तरह से समझा दो बेटा। क्रिस के प्यार का दीप अपने मन में मत जलाओ बेटा। लीजिए। कौन लोग थे, कहां से आए थे, पता नहीं क्यों और किस लिए मुझ पर हमला किया उन्होंने, कुछ भी पता नहीं। बस आज जिंदा हूं वही बहुत है। ये इन सज्जन की वजह से आज मैं जिंदा बच पाया। अगर ये वक्त पे नहीं आया होता ना तो शायद मेरी आज जान भी चली गई होती। आपके किसी से क्या दुश्मनी? बेटा, मैं तो किसी से दुश्मनी नहीं मोल लेता, पर मुझसे दुश्मनी लेने वाले तो बहुत होंगे ना। हमेशा हफ्ता वसूली, पैसों के लिए गुंडे मवालियों के फोन तो आते ही रहते हैं मुझे। बहुत बुरी हालत हो गई है इस समाज की। ऐसा भी हो सकता है कि बचाने वाला उसमें शामिल हो। ये तुम क्या बोल रही हो बेटा? अगर ऐसी बात होती तो ये बेचारा मुझे इतनी दूर यहाँ घर तक छोड़ने क्यों आता? मैं चलता हूँ साहब। किसी को हो ना हो, मुझे खुद पर, मेरे संस्कारों पर और मेरी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। मैं चलता हूँ साहब, नमस्कार। ये तुमने ठीक नहीं किया, तुमने यूं ही उस सीधे साधे इंसान पर शक किया बेटा। पर मुझे ऐसा लगा डैडी। बेटा, मैं भी इंसानों को पहचानता हूं। मान लिया वो लड़का गरीब है, अरे लेकिन लेकिन कितनी भी बुरी हालत हो उसकी, लेकिन वो लड़का सीधा साधा लगा मुझे। डैडी आप पुलिस में? नहीं 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 नहीं, इस बात को बढ़ाने से मतलब नहीं है। मुझे जरा मेरे रूम तक मुझे छोड़ दो। हाँ। आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है ना? कितना खून बह रहा है देखो, क्यों हर एक को बचाने की कोशिश करते हो? मैं किसी पर भी अत्याचार होते हुए नहीं देख सकता मीरा।
खुली आंखों से मृत्यु का तांडव नहीं देख सकता। किसी कमजोर इंसान पर कोई अत्याचार कर रहा हो तो मैं पागल हो जाता हूँ, नहीं सहन कर पाता मैं। तुम्हें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है क्या? जिंदगी तुम्हें क्या लगता है, मौत के डर से अत्याचार होते हुए देखता रहूं? वैसे भी मेरा है ही कौन? क्यों नहीं, कभी आपको मेरा ख्याल नहीं आया? हाँ? वैसी बात नहीं है मेरा, पर सोचता हूं मैं किसी के दुख का कारण ना बनूं। तुम हो, सत्यप्रकाश जी भी है, कितनी चिंता करते हो आप मेरी। मैं आज तक किसी को कुछ नहीं दे पाया, मेरी बदनसीबी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। तुम समझ कर क्यों नहीं ले रहे हो? पर तुम क्यों समझने की कोशिश नहीं करती हो मीरा? मैं किसी और को पसंद करता हूँ। अरे दोस्त, कितने सालों के बाद मिलने का मौका मिला है। बैठो 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 बैठो। करीब करीब 26 साल बाद मिले हैं। हाँ सही कहा। इसे ही देख लो, मेरा बेटा भी जवान हो गया। देखो दोस्त, वक्त कितना जल्दी गुजर गया ना। लेकिन दोस्त, इतने वर्ष बीत गए, आखिर तुम थे कहाँ? पहले 15 साल कनाडा में था और अब 12 साल से लंदन में हो। घर बार सब ठीक है, बेटा संभाल रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। इसका मतलब लंदन में ही सेटल होने वाले हो क्या? अरे सू बोले थे, हिंदुस्तान में ही वापस आने वाला हूँ। अरे पैसे तो बहुत कमाए, पर अब देश के लिए भी कुछ करना है ऐसा सोचा है। इतनी देशभक्ति तो चाहिए ना, सू बोले छे। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा विक्रांत ने क्या किया है? मैनेजमेंट। ओ, पर मुझे लंदन में करियर नहीं करना है। यही हिंदुस्तान में सेटल होना है। अच्छा। आ जाओ बेटा। ये मेरी बेटी राधा बेटी। नमस्ते अंकल। गॉड ब्लेस यू बेटा। और राधा, ये भानु प्रताप जी। और ये है उनका बेटा विक्रांत। हाय। राधा बेटा, हम बहुत पुराने दोस्त हैं। ये बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, पुराने दिन याद आ गए। बेटा राधा, इनका लंदन में बहुत बड़ा बिजनेस है और ये वहीं पे सेटल हो चुके हैं। और भानु प्रताप जी, आप वो दिल्ली से कनाडा कब गए थे? और फिर कनाडा में गेहूं उगा रहे थे क्या? अच्छा। और लंदन में भी? नाश्ता कर लो। बाप रे, इतना नाश्ता, इतना नहीं खा पाऊंगा। नहीं, दवाइयां लेनी है, कल रात को बुखार भी था ना, इतने जल्दी काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं एकदम फिट हूँ, काम पे नहीं गया तो लगेगा बहुत बीमार हूँ। तो फिर जाओ, हम तो पराए हैं ना, हमारी बात क्यों सुनोगे भला? ए, ऐसे मत बोलो मीरा, तुम रुट गई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो फिर मेरी बात क्यों नहीं मानते? आज के दिन आराम करो, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है, क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हो? मीरा मर गई। मीरा, मेरी बात नहीं सुनोगे तो मुझसे बात मत करना। इतनी सजा मत दो। चलो नहीं जाता काम, अब तो खुश हो? इतनी सुंदर आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। हसो हसो। लेकिन राधा। डैडी प्लीज। पता नहीं डैडी, आप मेरे शादी के पीछे क्यों पड़े हो? देखो बेटा, हर एक बाप की यही इच्छा होती है कि वो अपनी बेटी का घर बार हंसी खुशी बसते हुए देखे। देखो बेटा, एक बार तुम्हें अपने पति के साथ सुख शांति से घर बसाते हुए देख लूं, उसके बाद मेरी जीवन की आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा डैड, आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं, अरे भानु मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, खानदानी है वो लोग, पैसा है, शानो शौकत है। उसका बेटा विक्रांत मुझे बहुत पसंद आया। बेटा, ऐसा लड़का तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। पर डैड, ना ही मुझे वो लोग पसंद आए और ना ही विक्रांत। अरे क्या बुराई है विक्रांत में, और वैसे भी मेरी हर बात तुम्हें सिर्फ गलत ही नजर आती है।
तुम्हें तो हर लड़के में बुराई नजर आती है, और क्या बुराई है विक्रांत में? ठीक है, अच्छा होगा, पर ना ही हम एक दूसरे को पहचानते हैं और ना ही एक दूसरे को जानते हैं। और एक दिन के मुलाकात में मैं अपनी पूरी जिंदगी का फैसला तो नहीं ले सकती ना। डैड, मैं आपको एक बात साफ साफ कह देती हूँ, मुझे वो विक्रांत जरा भी पसंद नहीं है। प्लीज डैड, आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, तुम तो अभी बच्ची नहीं रही ना, तुम्हारे डिसीजंस तुम खुद ले सकती हो, मेरी बात तुम्हें मंजूर नहीं है। लेकिन एक बात सुन लो, तुम्हारा ये व्यवहार मुझे पसंद नहीं है। देखो बेटा, मुझ पर हमला हुआ है, हम दोनों की जान को खतरा है, और ये मालूम होने के बावजूद तुम अकेले कहीं भी आते जाते रहती हो। तुमने अपनी मर्जी से जीने की ठान ली है क्या? मेरी एक भी बात नहीं मानोगी तुम? अरे मुझे एक बार समझने की कोशिश तो करो तुम। अब से हमारी हर चाल में सावधानी बरतनी होगी। आज तक अपनी कोई भी चाल फेल नहीं हुई है मुनीम जी। उस बुड्ढे को ऐसा चकमा देते हैं कि राधा खुद ब खुद शादी के लिए तैयार हो जाए। जितना समझ रहे उतना आसान नहीं है मेरे दोस्त। राधा तीखी मिर्ची है, तीखी। बहुत ही होशियारी से काम लेना होगा, वरना सब सत्यानाश हो जाएगा। आप उसकी फिक्र मत करो मुनीम जी, घाट घाट का पानी हमने भी पिया है। एक बार राधा से शादी तो होने दीजिए, फिर पूरा माल मेरी जेब में। हाँ, पूरा माल? बाप को भूल गया? हाँ, 25% मेरा भी हिस्सा है, और अगर कहीं भूल गए तो सब सपने धूल में मिला दूंगा, सत्यानाश कर दूंगा। आजकल इतने ईमानदार और मेहनती लड़के कहाँ मिलते हैं? अरे बेटा, असल में तो मैं तुम्हारा आभारी हूँ। अरे हाँ, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये छोटा सा तोहफा। मुझे पैसों की क्या जरूरत है, आपका आशीर्वाद ही काफी है। अरे बेटा रखो, तुम्हारे काम में आएंगे। ले लो, ले लो बेटा, बड़ों को मना नहीं करना चाहिए, ले लो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे नौकरी की जरूरत है। नौकरी चाहिए? जी। ठीक है, तुम्हें मैंने नौकरी पे रखा। तनख्वाह 25,000 रुपया। 25,000 साल के? नहीं, महीने के। महीने के? लेकिन काम भी उतनी मेहनत का है। मेरी बेटी राधा, उसकी सुरक्षा तुम्हें करनी होगी, उसका बॉडीगार्ड बनकर तुम्हें रहना पड़ेगा। तुम्हें पता है इस शहर में हमारे बहुत से दुश्मन हैं, हमारी जान को बहुत खतरा है, और इसीलिए मेरी बेटी की जान बहुत 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 कीमती है मेरे लिए। ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं अपनी जान दे दूंगा, पर आपकी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। तो तुम नौकरी करोगे तो तुम कल से ही काम पे आ जाना, और ये एडवांस समझ लो तुम्हारा। आप रखिए। जीते रहो बेटा। सर, आपने बहुत उपकार किए हैं। नहीं, नहीं 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 बेटा, रहने दो रहने दो, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। ने कहा डैड कि मुझे पर्सनल बॉडीगार्ड की जरूरत है, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। ये क्या बोल रही हो राधा बेटी? आप बीच में क्यों बोलते हो? आप ही लेकर आए थे ना उस विक्रांत का रिश्ता मेरे लिए, और आज इस जोकर को लेकर आए हो। मुझे किसी भी बॉडीगार्ड की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत लगती है राधा, तुम्हारी हर बात मैं मान लूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो बेटा, मुझे जो सही लगता है मैं वही करूंगा। आज से ही ये लड़का 24 घंटे तुम्हारी सुरक्षा करेगा। मुझे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं, मैं इसे मार के भगा दूंगी।
बेटा, राधा की बातों को तुम अपने दिल पे मत लेना। उसने अपनी जिंदगी को कभी सीरियसली लिया ही नहीं, लेकिन तुम्हें ही उसकी सिक्योरिटी देखनी है। समझ गए तुम? जाओ तुम। ठीक है, नमस्कार सर। आइटम। यू नॉनसेंस। एक बार जो हाथ पकड़ लिया मैं कभी नहीं छोड़ता, समझी? अरे छोड़ मुझे, छोड़ उसे, छोड़। मारो उसे, मारो इसे। अरे बहुत ज्यादा हो गया। रुक जाओ क्रिश, रुक जाओ। चल निकल यहां से, छोड़ो उसे। चलो क्रिश, चलो। छोड़ूंगा नहीं इसे। क्या दिखा रही हो? दिखाओ। क्या देखूं? क्या देखूं बोलो ना। क्या देखूं? क्या कॉकरोच? वो कॉकरोच कौन? क्या पे वहाँ? मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। मुझे डर लग रहा है क्रिश, मुझे डर लग रहा है। क्या? अरे दोस्त, बिल्कुल मेरे मन की बात बोल दी तुमने। मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा था कि विक्रांत और राधा की शादी हो जानी चाहिए। अरे वाह, इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का फैसला हमको बहुत अच्छा लगा। क्यों बेटा? डैड, एक बार हम राधा से पूछते हैं, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। राम राम राम। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। हमें दामाद मिल जाएगा और कंपनी को विक्रम जैसा जवान मार्गदर्शक मिल जाएगा। राधा, अरे ओ राधा, आज हम ये रिश्ता पूरी तरह से पक्का कर देते हैं। सही बात है। हाँ, आ जाओ आ जाओ। राधा बेटी, तुम्हें बता दूं, आज का दिन बहुत ही शुभ है। देखो, मैंने और भानुजी ने तय किया है कि तुम्हारी और विक्रांत की शादी कर दी जाए। बेटा, मेरे इस फैसले से तुम नाराज तो नहीं हो ना? मैंने आपसे पहले ही कह दिया डैडी, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। बेटा, और यही मेरा आखिरी फैसला है। चलो क्रिश। राधा, क्रिश, राधा, क्रिश, ये क्या पागलपन है? हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। देखो राधा, तुम्हें तुम्हारे पापा की बात माननी होगी। पर क्रिश, मैं जानती हूँ डैडी को फंसाया जा रहा है, और मैं वो उस विक्रांत से शादी नहीं करने वाली। ये पागलपन है राधा। हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, पागल, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। राधा, राधा, ये नहीं हो सकता। विक्रांत और तुम्हारा खानदान बराबरी का है। राधा, मैं एक गरीब और अनाथ लड़का हूँ, ना मेरा घर है ना ठिकाना। क्योंकि मुझे पता है क्रिश कि तुम मेरी हिफाजत कर सकते हो, मुझसे बहुत प्यार करोगे। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वो विक्रांत मुझसे नहीं, मेरे पैसों से
प्यार करता है। क्रेश, मुझे तुम्हारे जैसा पति चाहिए जो सिर्फ मुझसे प्यार करेगा, ना कि मेरे पैसों से। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? राधा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। क्रेश, तो फिर इस दुनिया की मुझे कोई परवाह नहीं है। अरे आखिर आपने क्या देखा है मुनीम जी? आपका दिमाग तो ठिकाने पे है। देखिए, राधा मेरी बेटी है, मेरी, और वो एक फालतू सा नौकर। राम राम राम। प्यार अंधा होता है मालिक, अपनी आंखों से देखा है मालिक। नहीं नहीं, कुछ तो शायद कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, तुमने ठीक से नहीं देखा होगा। देखो देखो, नहीं, मेरी बेटी राधा क्रिस जैसे लड़के से प्यार कर ही नहीं सकती। ये सच नहीं हो सकता। ये सच है डैडी। राधा, मैं क्रिस से प्यार करती हूँ। राधा बेटा, और शादी करूंगी तो सिर्फ क्रिस से। राम राम राम। राधा, ये क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? अरे वो एक सड़क छाप लड़का है, हमारा नौकर। अरे अरे अरे, उसकी औकात भी है क्या? क्रिस मेरी हिफाजत कर सकता है और वो मुझसे प्यार करता है डैडी, मेरे पैसों से नहीं। डैडी, क्रिस के पास सिर्फ पैसा ही तो नहीं है, पर डैडी, उसके अंदर एक ऐसा इंसान छिपा हुआ है जो मेरे लिए जान भी दे सकता है। राधा, लेकिन डैडी, ये मेरा आखिरी फैसला है। राधा राधा राधा।